हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक डेजर्ट की रेसिपी जिसे कहते हैं बनोफी पाए। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? यहाँ मैंने सबसे पहले लिया है एक पैकेट डाइजेस्टिव बिस्किट का, आप किसी भी ब्रांड की ले लें। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ लिया है मेल्टेड बटर। 1 टिन मैंने लिया है कंडेंस मिल्क का, जिसका रैपर मैंने नाइफ की मदद से उतार लिया है। 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे ली है व्हिपिंग क्रीम। और 3 मीडियम साइज के मैंने यहाँ पर लिए हैं बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी बनाना। यहाँ पर सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर लूंगी। प्रेशर कुकर में मैं अपना कंडेंस मिल्क का टिन रखूंगी और इसमें पानी ऐड करूंगी। पानी हमें इतना ऐड करना है कि ये जो टिन है वो 1 इंच तक डूब जाए। अब हमारे कुकर की लिड को हमें बंद कर इसे गैस पर हाई फ्लेम पर चढ़ा देना है। हाई फ्लेम पर हमें इसे 1 विसल आने तक रखना है। इसके बाद हमें बिल्कुल इसका फ्लेम लो कर देना है 15 टू 20 मिनट्स के लिए। अब मैंने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम ले ली है, इसे मैं अच्छी तरीके से बीट करूँगी जब तक ये सॉफ्ट पिक में ना कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल स्टिफ नहीं रखना है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी रहे तब तक हमें इसे अच्छी तरीके से बीट करना है। हमारी क्रीम यहाँ पे अच्छी तरीके से बीट हो चुकी है, इसे हम साइड पे रख देंगे। अब हम अपनी बिस्किट्स को लेंगे और मिक्सर के जार में डालेंगे और इसे क्रश कर लेंगे। बिस्किट को बिल्कुल फाइन पाउडर में क्रश नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा सा रखना है। इसके बाद जो 2 टेबल स्पून हमारा बटर था मेल्टेड बटर, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बटर भी हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, सिर्फ 2 टेबल स्पून करना है। अब यहाँ पे हमारी सर्विंग डिश ली है मैंने, जिसमें मैं अपना फाइनल डेजर्ट पूरा बनाऊंगी। सबसे पहले बॉटम में मैं डाल रही हूँ बिस्किट, जिसमें मैंने मेल्टेड बटर डाल के मिक्स किया था। इसकी फर्स्ट बॉटम की लेयर में हम यही डालेंगे और अच्छी तरीके से प्रेस करके स्प्रेड कर लेंगे। बिस्किट की लेयर लगाने के बाद हम इसे 15 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। यहाँ हमारी 1 विसल आ चुकी है। अब मैं गैस का फ्लेम स्लो कर दूंगी, जो कि मैंने ऑलरेडी स्लो कर दिया है, और इसे 20 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे स्लो फ्लेम पर। 20 मिनट्स के बाद मैंने यहाँ पर कुकर की लिड खोली है, इसका प्रेशर मैंने अपने आप निकलने दिया है। अब कंडेंस मिल्क का जो टिन था वो हमें काफ़ी संभाल के निकाल लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और इसे इसी तरह काउंटर पर छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। जब तक ये बिल्कुल ठंडा ना हो जाए इसे नहीं खोलना है। यहाँ पे मैंने अपने बनाना ले लिए हैं, मैं इसे चॉप कर लूंगी छोटे छोटे पीसेस में। ये मैंने अपना कंडेंस मिल्क का टिन बिल्कुल ठंडा होने के बाद खोल लिया है। इसमें से 2 या 3 टेबलस्पून हम एक बोल में निकालेंगे। इसका टेक्सचर ऐसा होगा जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं अपनी व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ, इसमें मैं अपने हाफ बनाना ऐड कर दूंगी चॉप किए हुए, और हाफ मैं गार्निशिंग के लिए रख लूंगी। हाफ बनाना ऐड करने के बाद मैं कंडेंस मिल्क, जो मैंने 3 टेबलस्पून निकाल के मिक्स किया था, वो ऐड कर दूंगी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। अब यहाँ पर मैंने अपनी डिश निकाल ली है फ्रिज से 15 मिनट्स के बाद। सबसे पहले जो कंडेंस मिल्क बचा हुआ था इसमें हम 2 टेबलस्पून तक मिल्क ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिस्किट की लेयर के ऊपर हम अपने कंडेंस मिल्क के बैटर को डालेंगे और अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। कंडेंस मिल्क अच्छी तरीके से स्प्रेड करने के बाद जो हमने व्हिप क्रीम का बैटर बना के रखा था इसे स्प्रेड कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब जो हमारे पास बचे हुए बनानास थे चॉप किए हुए, उसकी लेयर लगा लेंगे।
बनाना की लेयर लगाने के बाद यहाँ पर थोड़े से क्रश किए हुए बिस्किट मैंने बचा लिए थे ऊपर गार्निशिंग के लिए, तो इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से ऊपर स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कंडेंस मिल्क मेरे पास अभी भी बच गया था, तो मैंने इसे अपने पाइपिंग बैग में डाला है और मैं इसे ऊपर गार्निशिंग के लिए यूज कर लूंगी। बेनोफी पाई बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाला एक बहुत ही क्विक डेजर्ट है और टेस्ट में भी ये काफी अच्छा लगता है, सो आप लोग भी जरूर ट्राई करें। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। सारी लेयर्स लगाने के बाद और गार्निशिंग करने के बाद हमें इसे फ्रिज में मिनिमम 2 आवर्स के लिए सेट होने के लिए रख देना है और आफ्टर 2 आवर्स निकालें, एंजॉय करें अपने बेनोफी पाई को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। टिल देन डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।